श्रद्धेय भक्तजनों, आप समस्त श्रद्धालु भक्तों का भक्ति सागर के पावन तट पर पुनः एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन 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 है। आज हम भक्त शिरोमणि श्री नरसिंह मेहता जी के संदर्भ में, उनके भजनों के महत्व के संदर्भ में आपको कथा सुनाएंगे। आप इन कथाओं का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें, वो इनका अनुसरण करें, अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाएं। उस दिन एकादशी का दिन था। भक्त दंपति का नियम था एकादशी का व्रत रखना और दिन भर भगवत भजन के अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य ना करना। अतः उस दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर दोनों पति पत्नी भजन में संलग्न हो गए। अन्य दिन तो भोजनादि का कुछ झंझट रहता था, जिससे भजन में कुछ बाधा पड़ ही जाती थी, किंतु उस दिन तो उन भोजनादि से भी छुट्टी मिल गई थी। अतएव और दिनों से आज कहीं अधिक आनंद था उन्हें। निश्चिंत रूप से दोनों का भजन चल रहा था। आजकल तो धार्मिक कार्यों में श्रद्धा न रखने वाले बहुत से नवशिक्षित युवक एकादशी आदि व्रतों के दिन उपवास रखने की कोई आवश्यकता नहीं समझते हैं। उनकी दृष्टि में तो यह सब बातें स्वास्थ्य के विरुद्ध हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो वे भ्रम में हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने एकादशी आदि व्रतों को धर्म के साथ जोड़कर हम पर बहुत भारी उपकार किया है। यदि हम धार्मिक तत्व को छोड़ भी दें तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन सब व्रतों का बड़ा ही महत्व है। यह सभी स्वीकार करेंगे कि दसों इंद्रियों और मन का संयम करना मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंतु माणिकबाई का शरीर उस दिन कुछ अस्वस्थ था। उन्हें साधारण ज्वर सा प्रतीत हो रहा था, फिर भी वह शरीर का कुछ भी ख्याल न कर पति के साथ भजन करने में ही लीन थी। कोटि जन्मार्जिते पुण्ये कृष्णे भक्तिः प्रजायते, इस शास्त्र वाक्य को लक्ष्य में रखकर वह अपना मनुष्य जन्म सफल बना रही थी। दोनों पति पत्नी भगवत प्रेम में इतने मग्न हो गए थे मानो वे इस माइक जगत से निकलकर भजनानंद के अनुपम जगत में विहार कर रहे हों। भजन करते करते सायंकाल हो गया। भक्तराज भजन बंद करके स्नान करने के लिए दामोदर कुंड पर आए। स्नान समाप्त कर उन्होंने समीपवर्ती उद्यान से फूल और तुलसी दल लिया और उसके बाद वह घर की ओर चल पड़े। उनके मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे की ध्वनि अबाध गति से हो रही थी। रास्ते में जाते जाते अकस्मात भक्त राज जय श्री कृष्ण की आवाज उनके कानों में पड़ी। जरा सचेत होकर जब उन्होंने उधर दृष्टि घुमाई तो कुछ दूरी पर एक अंत्यज अर्थात ढेड़ को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए देखा। बहुत पहले से उस अंत्यज की भक्तराज पर अत्यंत श्रद्धा थी। वह नित्य स्नान करके लौटते समय भक्तराज के दर्शन किया करता था। उसकी दृष्टि में भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं था। नरसिंह राम तो आत्मवत सर्वभूतेषु का भाव रखने वाले थे। उन्होंने उत्तर दिया, जय श्री कृष्ण भगत, भक्तराज मैं आपसे कुछ विनती करना चाहता हूँ। अंत्यज ने नम्रता पूर्वक निवेदन किया, भाई ऐसा कौन सा कार्य आ पड़ा जिसके लिए मुझसे विनती करने की आवश्यकता पड़ी? मैं तो एक श्री कृष्ण नाम के सिवा और कुछ भी नहीं जानता। तथापि मेरे योग्य कोई कार्य यदि हो भी तो निसंकोच बताओ भाई। नरसिंह राम ने अभिमान रहित होकर यह वाक्य कहे, मेहता जी मैं किसी सांसारिक कार्य के लिए विनती नहीं करता। आज एकादशी का उपवास मैंने भी किया है।
अतएव रात्रि में जागरण करके निमित्त भजन कराना चाहता हूँ। क्या मेरी विनती स्वीकार कर आप मेरे आंगन को आज पवित्र कर सकेंगे? अंत्यज ने श्रद्धा के साथ अपनी इच्छा प्रकट की। भैया, इस काम के लिए विनती करने का क्या प्रयोजन? भगवान का भजन करना तो मेरे काम ही है। फिर स्वयं भगवान ने कहा है, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदय न च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात जिस स्थान पर भगवान का भजन होता है वह साक्षात वैकुंठ लोक ही है। जो मनुष्य भगवान का नाम लेता है वह हीन जाति का होने पर भी देव समान है, और जो मनुष्य भगवत भजन के प्रभाव को जानकर भी भगवान से विमुख रहता है वह उच्च कुल में उत्पन्न होने पर भी आत्महत्या के महान पाप का भागी बनता है। भगवान का भजन करने तथा श्रवण करने का ब्राह्मण से लेकर चांडाल पर्यंत सबको समान अधिकार है। श्रीमद् भगवत गीता में तो ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदृष्टि रखने वाले ही सच्चे ज्ञानी बतलाए गए हैं, और वह रहना भी चाहिए। इसी से भगवान ने समान दृष्टि रखने की बात कही है। भजन का तो सभी को अधिकार है, अतः तुम अपने आंगन में तुलसी चबूतरे के समीप गोबर से जमीन को लीप पोत कर भजन की तैयारी करो। मैं तुम्हारे इच्छा अनुसार आज रात्रि को तुम्हारे आंगन में ही भगवान का भजन करूंगा।